गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा मेकअप शेयर करने वाली हूँ जो कि है नो मेकअप मेकअप लुक एंड ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब जिसको जैसा पसंद है वो वैसा क्रिएट कर सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे करना पसंद करती हूँ या फिर मतलब मुझे अच्छा लगता है नो मेकअप मेकअप लुक। एंड इसमें होता क्या है कि आपको मेकअप तो आपका होता ही है, बस कहने के लिए है कि नो मेकअप मेकअप लुक बट मेकअप आपका होता है, बट ऐसा मेकअप होता है कि आपको आपकी मतलब स्किन ऐसी लगती है कि वो नेचुरली इतनी ग्लोइंग है एंड मतलब इतनी अच्छी है, कोई दाग वाग कुछ भी ऐसी दिक्कतें नहीं है, तो उसको कहते हैं नो मेकअप मेकअप लुक। एंड आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए एंड आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बता देना एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। सो सबसे पहले तो नो मेकअप मेकअप लुक में आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ 3-4 प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। सो ये रोज टोनर एंड सीरम एंड ये मॉइस्चराइजर एंड लिप्स के लिए बोरोलिन। सो ये 3-4 प्रोडक्ट मैं अपने लिए यूज़ करूँगी। सो चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैं यूज़ कर रही हूँ ये डावर का गुलाबरी, ये मतलब आप एज अ टोनर एंड किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, क्लींजिंग के लिए, मॉइस्चराइज के लिए एंड रिफ्रेशमेंट के लिए। सो मैं इसको एज अ टोनर यूज करती हूँ एंड मुझे काफी ज्यादा पसंद है। सो इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ एंड देन इसको सूखने देती हूँ ताकि ये अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। कोई भी मेकअप करो, खासतौर से जिसमें आपको दिखाना है कि आपकी स्किन ग्लोइंग लगे, उसके लिए जरूरी होता है कि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज रहे एंड आप अच्छे से अपना स्किन केयर करें। सो ये 2-3 चीज़ें मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगा है क्योंकि अभी तक मैं इतना ज़्यादा अपनी स्किन का केयर नहीं करती थी, बट जब से मैं थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देखने लगी हूँ तो तब से मुझे ये लगने लगा कि नहीं, थोड़ा सा तो स्किन अपना करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोरोलिन लगा ली एंड देन ये अपना सीरम लगाऊंगी। तो ये है मेरा लैकमे का सीरम जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आर्गन ऑयल रेडियंट। सो ये मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ एंड इसका अगर आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फुल रिव्यू शेयर करूँगी एंड काफ़ी अच्छा मुझे ये लगता है सीरम। सो इसको मैं 2-3 ड्रॉप लेती हूँ, 3 ड्रॉप मैं लेती हूँ एंड इसको इस तरीके से लगाती हूँ अपने से। एक चिट चैट वीडियो भी हो जाएगी मेरी क्योंकि मैं आप लोगों से बातें करते करते सारा मेकअप करूँगी। सो इस तरीके से थोड़ा सा मसाज देते हुए लाइक दिस। सीरम लगाने का भी एक तरीका होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बस ड्रॉप लेके ऐसे रगड़ लेते हैं, मल लेते हैं, बट नहीं, ऐसे नहीं लगाते हैं। इसको इस तरीके से अपर डायरेक्शन में इस तरीके से लगाया जाता है। सो अगर आप लोग चाहें तो मुझे इसके लिए कमेंट कर देना, तो उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि सीरम आप लोगों को कैसे अप्लाई करना चाहिए ताकि उसका पूरा पूरा फ़ायदा आप उठा सकें। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी अपने स्किन पे, अपने चेहरे पे ये पॉन्स का मॉइस्चराइजर जो कि है हनी वाला है, ये नया आया है तो इसकी स्मेल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइक चॉकलेटी सी इसमें स्मेल आती है एंड थोड़ा सा मैं लेके बस अपने चेहरे पे एंड अपने नेक पे लगा लूँगी। इस मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप में लैकमे का फेस मैजिक स्किन टिंट सफल, इससे नेचुरल आपका ग्लो आता है स्किन पे। तो ये इस टाइप का होता है, तो मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ एंड मैंने इसको अभी जल्दी ही परचेस किया है। तो ये इस टाइप का होता है, कुछ लिक्विड फॉर्म में, लाइक फाउंडेशन के जैसा। सो लेट्स सी ये किस तरीके से वर्क करता है मेरे लिए, तो मैं इसको ले लूँगी एंड इस तरीके से अपनी स्किन पे लगा लूँगी। तो इसको ब्लेंड कर दूंगी अपने हाथों की हेल्प से। बाद में ये कंसीलर लगाऊंगी एंड
आप अगर आपके पास अगर बीबी सीसी या फिर फाउंडेशन वगैरह है जो भी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा यू नो पिगमेंटेशन एंड स्कार्स वगैरह हैं तो वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी ताकि यू नो एकदम ये लगे कि मेरी नेचुरल स्किन है एंड कुछ भी वैसा ना लगे कि एंड मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसा दिखना चाहिए ताकि एकदम से नहीं हाइड हो, क्योंकि फिर वो लगने लगता है कि आपने मेकअप किया है। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा तो रखूँगी एंड डार्क सर्कल्स मेरे हैं तो इनको तो हाइड करना ही पड़ेगा। तो मैं फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी एंड काफ़ी ज़्यादा ये अफोर्डेबल मेकअप है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत कम प्रोडक्ट की हेल्प से इसमें मैं मेकअप करूँगी तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट मैं कंसीलर को सेट करने के लिए ये लैकमे का यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, एंड इसको मैं वहीं पे थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करूँगी जहाँ पे मैंने ये लगाया है ताकि वो यू नो केकी ना हो, फाइन लाइंस वगैरह ना दिखे। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये अपना मेकअप फिक्सर जिससे मेरा ये जो है बेस वो सेट हो जाएगा एंड थोड़ा सा यू नो नेचुरल ग्लो हो जाएगा, क्योंकि ये मेकअप फिक्सर ऐसा है इसमें बिल्कुल यू नो मैट फिनिश नहीं आता है, थोड़ा सा साइन आ जाती है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लूँगी एंड इसको सूखने दूँगी। नेक्स्ट स्टेप है वो है आईब्रोज। तो नो मेकअप मेकअप लुक में आपके आईब्रोज बहुत ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उभर के दिखती हैं तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती हैं। तो मैं इसको फिल कर लूँगी एंड बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, मतलब एकदम ऐसा लगना चाहिए कि ये नेचुरल आपके आईब्रोज हैं। सो मैं इस तरीके से इनको फिल कर लूँगी। मैं ब्लैक कलर की ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके आईब्रोज के बाल यू नो कुछ ब्राउननेस में हैं तो आप ब्राउन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे ब्लैक में ही हैं तो मैं ब्लैक को ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। इनको स्पूली की हेल्प से कोम्ब कर लूँगी। मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ तो अब मैं लगाऊंगी मस्कारा एंड मैं नॉर्मली भी मतलब बाहर जाती हूँ ना तो मैं मस्कारा अकेले लगा लेती हूँ एंड लिपस्टिक, तब भी मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। सो आपको मस्कारा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, एक दो कोट में ही आपको आपकी यू नो दिखने लगेंगी। सो बहुत ज़्यादा नहीं। एंड ये जो मेबलिन का मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ ये तो बहुत ही अच्छा है एंड इतना पुराना हो गया है बट ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं। इसे आप लोग कोई फर्क देख सकते हैं, मैं अपनी दोनों आईज पे लगा लूँगी। पे वो है लिपस्टिक, तो मैं यहाँ पे लिपस्टिक ये एस्टे क्विर्की की जो मिनीज आती हैं वैसे मैं न्यू शेड ले रही हूँ, ये वाला जो कि नंबर है 24 वांट टू गेट मैसी। सो ये इस तरीके का न्यूड है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको मैं लगा लूँगी। को ये ज़्यादा डार्क लगे तो आप इसको डैप कर लें जिससे वो और ज़्यादा नेचुरल लगने लगता है एंड जो एक्स्ट्रा आपकी यहाँ पे आ जाए तो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लाइक दिस एंड इसको ब्लेंड कर लें ऐसे ही ना छोड़ें कैसे। एंड अगर आप चाहें तो आप हाईलाइटर भी लगा सकते हैं बट मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरा ये जो स्विस ब्यूटी का ये जो सेटिंग स्प्रे है इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा शाइन मिल जाती है अपने चेहरे पे। सो मैं कोई भी हाईलाइटर वगैरह नहीं लगा रही हूँ बट अगर आप चाहें तो आप हाईलाइटर को यूज़ कर सकते हैं। सो ये मेरा डन हो गया गाइज, यही है मेरा फाइनल फिनिश लुक एंड
अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा नेचुरल एंड यू नो अच्छा लग रहा है। एंड आजकल मैंने देखा है मतलब मूवीज में जहाँ बहुत ज़्यादा ये नो मेकअप मेकअप लुक चल रहा है, सो इसी वजह से मैंने सोचा मैं भी इसको क्रिएट करूँ एंड देखूँ मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। सो यही है मेरा एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्रोडक्ट की जो भी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, जो भी मैं प्रोवाइड करा पाऊंगी वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों के लिए। तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहें तो आप उनको ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा, तो उसको चेक करना बिल्कुल ना भूले। सो मिलती हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।